पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक मेरे परमेश्वर, एक बार फिर से मेरे परमेश्वर आज के शाम के बेला में तेरे पास में, तेरे निकट में, तेरी हुजूरी में आता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जिंदा खुदावन धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु, आपके दया और प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हे सनातन के राजा सामर्थ्य परमेश्वर, आपके नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ आज के शाम के बेला के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए मेरे प्रिय सभी लोग धन्यवाद करें धन्यवाद करें धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। बीते सप्ताहों के लिए धन्यवाद, बीते दिनों के लिए धन्यवाद, बीते एक एक समय के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। इस वक्त पिता मैं धन्यवाद के साथ आज तुझे तहे दिल से धन्यवाद का वो बलिदान चढ़ाता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया। तू बदल दे मेरे परमेश्वर, तू चंगाई और छुटकारा दे मेरे प्रभु जी। हालेलुया। तू रास्ता और मार्ग खोलने वाला परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु आज के शाम के बेला मेरे प्रभु, आज के प्रभु परमेश्वर पिता शाम में मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी वो तेरे पास में बैठे हैं प्रभु, जितने भी तेरे निकट बैठे पाए जाते हैं मेरे प्रभु, उन सभी के लिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। यस यस यस। पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति की योग्य, तारीफ की योग्य, बड़ाई की योग्य मेरे प्रभु, आपके नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ इस वक्त, धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जिंदा खुदावन धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। जय जयकार हो, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की आराधना करता हूँ मेरे प्रभु, वो बड़ाई करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू बचाने वाला, क्योंकि तू छुड़ाने वाला, हर एक जन के रास्ता और मार्ग खोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर धन्यवाद, वो जीवित पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ मेरे प्रभु जी, आपके नाम को महिमा करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की आराधना करता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, आपके एक एक प्रभु उपकारों के लिए धन्यवाद। हमको आपने दिन भर संभाला कि पिता, हम हर एक प्रभु जी पाप से, श्राप से, बंधन से, उस प्रभु प्रभु शैतान की बंधन, शैतान की गुलामी से पिता, हम पिता आजाद होकर पिता तेरी महिमा कर सके मेरे प्रभु, तेरी आराधना कर सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त तू बोल और बातचीत कर पिता, इस वक्त तू अपने जन से तू बोल और बातचीत कर पिता, सारी प्रार्थना को तू सुनकर उत्तर देना मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन बना रहता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी सब विधियों को माने और उसकी सब आज्ञाओं को मानने में चौकसी करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उसको मैंने तुझ पर एक भी नहीं भेजूंगा कहता है। हाँ मेरे प्रियो, आपको तन और मन से उस प्रभु के वचन को, उस प्रभु के कलाम को आपको सुनना है और प्रभु के संगति में रहना है, जिस प्रकार मेरे प्रिय पौलुस हर समय संगति में रहा, जिस प्रकार पौलुस हर समय संगति में रहा, हर पल मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद किया, हर पल प्रभु के साथ रहा मेरे प्रियो, आज उसी प्रकार मेरे प्रियो महान परमेश्वर आपके साथ और संग रहेगा मेरे प्रियो। वो परमेश्वर वायदों का पक्का परमेश्वर है, जितने प्रभु के पास में झुकते हैं और जितने प्रभु के पास में जो प्रभु के नाम को लेकर आते हैं, वो वचन में कहता है कि यहोवा को संभालता है, यहोवा उनको सुरक्षा देता है। हालेलुया। यहोवा मेरे प्रिय परमेश्वर अपने सहायता करता है, अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से वो परमेश्वर आपको संभालता है मेरे प्रिय, क्योंकि वचन में कहता है, भजन संहिता 103 में कहता है परमेश्वर को, वचन कहता है कि और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकारों को न भूलना, जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, और जो तेरे प्राण को गड्ढे में जाने से उभारता है और तेरे सिर पर तेल और करुणा का दया मुकुट बांधता है। मेरे प्रियो, तेरी जो लालसा है उसको मेरे प्रियो परमेश्वर पिता तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। सचमुच में अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर वायदों का पक्का परमेश्वर, वो कह रहा है कि मैं तेरी जो है प्रार्थना को सुनकर, परमेश्वर तुझे कहता है कि मैं तेरे प्रार्थना को सुनकर तुझे मैं पंखों के आड़ में ले लूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको जो है सहायता करेगा, वो परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं तेरे जो है सचमुच में आपको जो है मैं तृप्त करूंगा कहता है वो परमेश्वर। सचमुच में चाहे दुख हो, चाहे कष्ट, मुसीबत, परेशानी, जितनी भी आपके जीवन पर चल रहा है, वो सारे कष्ट से, वो सारी मुसीबतों से वो परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी जो है हर पल तेरे उपकारों को जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊं कहता है राजा दाऊद। आपको भी मेरे प्रियो डरना नहीं है, किसी भली वस्तु की चिंता नहीं करना है, किसी भी समस्या
इसलिए आपको डरना नहीं है, लेकिन उस जिंदा परमेश्वर से कहना कि प्रभु तू मुझे और मेरी प्रार्थना को, मेरी पुकार को तू शीघ्र सुन मेरे परमेश्वर पिता, अपना कान मेरी ओर लगा और मेरे परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, परमेश्वर मेरी ओर तू सहायता कर। हालेलुया, क्योंकि अगर जिसके ओर परमेश्वर है, जिसकी ओर परमेश्वर की जो है, जिसकी ओर परमेश्वर है मेरे प्रियो, उसको कोई नहीं छू सकता, उसको मेरे प्रियो कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई कभी जो है नष्ट नहीं कर सकता, ना उसको कोई मेरे प्रियो बिगाड़ सकता है। लेकिन वो परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे जो है हर खतरों और हर मुसीबतों से बचाऊंगा। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको नया जीवन देगा, परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा और आपको हर खतरों और मुसीबतों से बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, जिंदा परमेश्वर धन्यवाद। मेरे संकट के दिन मेरे परमेश्वर पिता अपने मुख को मेरे परमेश्वर पिता मेरी ओर लगा। मेरे प्रभु जी, जब मैं संकट में था, जब परेशानी में था, मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु दूर होने पाए पिता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ कि आज जितने पिता परेशानी में हैं, वो सभी लोग आज पिता वचन के अनुसार तेरे बड़े आशीष को प्राप्त करने पाए पिता। आज पिता जितने लोग आज कराह रहे प्रभु जी, तड़प रहे मेरे परमेश्वर पिता, आज उन सभी को पिता तेरी ओर से बड़ी अद्भुत चंगाई प्रभु मिलने पाए। मेरे परमेश्वर पिता तू दया कर मेरे प्रभु, तू रास्ता और मार्ग खोल मेरे परमेश्वर पिता, ताकि जितने भी परिस्थिति है मेरे प्रभु, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज प्रार्थना करता हूं और मैं हुकुम देता हूं कि मेरे परमेश्वर पिता उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके घर से मेरे परमेश्वर पिता सारे प्रॉब्लम इसी वक्त दूर होने पाए पिता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। मेरे प्रभु इस वक्त दया करो मेरे परमेश्वर पिता, इस वक्त तू तरस खा मेरे परमेश्वर पिता कि जितने पिता परेशानी हैं, वो जितने प्रभु आज दिक्कत है मेरे प्रभु, प्रॉब्लम पिता, आज मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और आज हुक्म देता हूँ प्रभु, आज हर एक परेशानियाँ यीशु के लहू में प्रभु जी निकल कर इसी वक्त प्रभु जी गेट आउट होने पाए पिता। प्रभु मेरे जितने भी वो शत्रु हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज सभी लोग आज पिता वो शत्रु पिता आज लज्जा किए जाए मेरे प्रभु, और आज जितने पिता तेरे बेटा और बेटी तुझ पर भरोसा रखते हैं पिता, उनके सारे प्रभु जी परेशानियों को, उनके सारे प्रॉब्लमों को तू दूर कर मेरे प्रभु जी। आज जितने करा रहे हैं, तड़प रहे हैं प्रभु जी अपने समस्याओं को लेकर, मेरे प्रभु इसी वक्त आज उन समस्याओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस समस्याओं हर एक प्रभु उनके जीवन से जाने पाए, हर एक अंधकार की शक्तियां निकलने पाए, हर एक परेशानियां दूर हटने पाए, हर एक प्रॉब्लम दूर हटने पाए मेरे प्रभु, दूर करो। यस यस यस, दया करो मेरे परमेश्वर, तू दया कर, दया कर, दया कर, हर एक परेशानियां जाने लगे, हर एक मुसीबतें जाने लगे प्रभु, समस्या दूर होने लगे। यस यस यस, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद। ओ मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु, जिंदा परमेश्वर धन्यवाद देता हूं मेरे प्रभु जी, दया करो मेरे परमेश्वर, तू दया का सागर है मेरे प्रभु, दयालु परमेश्वर तू बदल दे मेरे प्रभु जी, आज उद्धारकर्ता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर तू सहायता कर, मदद कर, और आज सारे प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त दूर होने पाए मेरे प्रभु। आज परेशानियों को प्रभु दूर करेगा प्रभु जी, समस्याओं को निकालेगा मेरे परमेश्वर पिता, प्रॉब्लम को दूर करेगा मेरे प्रभु जी, बीमारी जाती रहेगी मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है मेरे परमेश्वर, और आज पिता उनको प्रभु तू संभालना पिता, और भजन संहिता 99 के अनुसार पिता आज सभी लोग आज पिता अपने भाइयों को अपने भाई के साथ पिता, और भाई के साथ प्रभु जी अपने परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए पिता, आनंद के साथ जयजयकार करने पाए प्रभु जी, और पिता वीणा बजाकर ताली बजाकर मेरे प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद करने पाए पिता, और हर समय मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति में आपकी संगति में रहने पाए मेरे प्रभु। तू दया कर, सहायता और मदद कर, सुरक्षा और रक्षा दे प्रभु, हर एक जन के प्रभु रास्ता और मार्ग खोलना, हर एक जन के प्रभु जी तू उनकी जरूरत आवश्यकताओं को तू पूरा करना मेरे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तू ब्लेस कर मेरे प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर तू दया कर, हालेलुया, ताकि प्रभु जितने पिता आज तुझ पर भरोसा रखे मेरे प्रभु, आज भजन संहिता प्रभु जी 96 के अनुसार पिता वो हर समय पिता तेरे गीत गाए प्रभु, और यहोवा सभी लोगों की प्रभु सुरक्षा करेगा, वो प्रतिदिन मेरे प्रभु आपके लिए उद्धार का कारण बनेगा, वो जाति जाति को मेरे प्रभु उद्धार देगा, वो आपके लिए अद्भुत कार्य को करेगा मेरे प्रभु, वो आपके लिए अद्भुत कामों को करने जा रहा है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके मेरे प्रभु परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपकी आपकी जो है परिस्थिति को बदल देगा, वो परमेश्वर अति स्तुति की योग्य है, कठोर मन को बदल देगा परमेश्वर आपके मेरे प्रभु, और कठोर मन को मेरे प्रभु बदल कर आपके जीवन में मेरे प्रभु मांस का हृदय भर देगा वो परमेश्वर। इसलिए आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वो खुलकर प्रभु पर भरोसा रखें, चिंता ना करें, परेशान मत होएं, प्रभु आपको सपोर्ट करेगा, प्रभु आपके हर क्षेत्र में अगुवाई करेगा, और आपके
सारी प्रार्थना को सुनेगा और सारे प्रॉब्लम को दूर करके आपको नया जीवन देगा। हालेलुया हालेलुया। जीवित उद्धार करता परमेश्वर मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु जी, इस वक्त तू दया कर मेरे परमेश्वर, इस वक्त तू बदल दे मेरे प्रभु। परिस्थितियां बदलने लगे, समस्याएं हटने लगे, प्रॉब्लम दूर होने लगे मेरे परमेश्वर पिता। बीमारियों को निकालो प्रभु जी, समस्याएं दूर हटने पाए पिता, आज जड़ से खत्म होने पाए मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। और पिता जितने लोग आज इस प्रार्थना में सहभागी हुए पिता, सभी जन के लिए रास्ता और मार्ग खोलना पिता, सभी जन के लिए पिता एक बड़े बदलाव को देना मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। आज की शाम जब हम सोते हैं मीठी नींद देना मेरे प्रभु, ब्लेस करना, अगुवाई करना मेरे प्रभु। और पिता हर एक जन पिता आप अपनी आत्मा से भर देना मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रार्थना को सुना। भोर के जब तड़के उठे मेरे प्रभु, तू बोलना और बातचीत करना मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आमीन।